राजधानी रांची के हिनू इलाके में पेंटलून्स के सामने बुधवार को अल्ताफ की गोली मारकर हत्या के आरोपी शनिवार को सद्भावना कमेटी के अध्यक्ष जावेद अनवर की भी हत्या करने पहुंचे थे। कमर में पिस्टल रखकर वह पैदल ही जावेद के पास पहुंचे, तब जावेद अपने घर के बाहर ही बैठे थे। जैसे ही अपराधियों ने कमर से बंदूक निकाली, जावेद ने खुद ही उन्हें दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने मिलकर चार लोगों को पकड़ा, जिनके नाम सहबाज, चांद, मुन्ना और सरफराज है। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस सादे लिबास में आकर उन्हें ले गई। बताया जा रहा है कि जावेद अल्ताफ के करीबी थे, इसलिए उनकी भी हत्या करने के लिए अपराधी पहुंचे थे। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने कबूला है कि वे जावेद की हत्या करने के लिए आए थे। पुलिस ने जानकारी दी कि कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 4 पिस्टल बरामद हुए हैं। 3 लोग भागने में सफल रहे हैं। भागने वालों में एक शूटर सोएब भी है। ये सभी लोग बुधवार को अल्ताफ की हत्या में शामिल थे। कुछ लोगों ने रेकी की थी, एक ने गोली चलाई थी, बाकी लोगों ने इनकी मदद की थी। शनिवार को जावेद को मारने के उद्देश्य से गए अपराधियों की पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साफ दिख रहा है कि जावेद और आसपास के लोग अपराधियों से भिड़ गए और फिर पुलिस को फोन किया, जिसके बाद सादे लिबास में पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दरअसल यह सब एक पूरा जाल था जो पुलिस ने बिछाया था ताकि अपराधी पकड़े जा सकें। पहले जावेद को लेकर झूठी खबर फैलाई गई कि वे पुलिस को अपराधियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए अपराधियों ने मारने के लिए पहुंचे और फिर गिरफ्तार हो गए। लेकिन घटना के दौरान पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि फोन करने के बाद आई। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गिरफ्तार हुए सभी 8 लोग अल्ताफ की हत्या में भी शामिल थे। बाकी लोगों की तलाश जारी है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in